फकीरों के लिए। बुल्ले शाह साहब कह रहे हैं कि आओ फकीरों मेले चलिए, आरिफ दा सुन वाजा रे। आरिफ अल्लाह सत्य उसका बाजा, बाजा वो जो उसकी बात करता हो तो वो सत्य का बाजा हुआ। आओ फकीरों मेले चलिए, आरिफ दा सुन वाजा रे। अब फ़कीरों की बात करते हैं, सूफ़ीज़्म में फ़कीरी फ़कीरी बहुत बोलते हैं और ये मन को अट्रैक्ट भी करता है फ़कीर, लेकिन फ़कीरी लोगों ने समझी नहीं कि फ़कीरी कहते किसको हैं। तो फ़कीरी को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक नोशन है, एक छवि है मन में बैठी है कि जो रास्ते पे बैठे हों और कुछ अनपढ़ भी वो हों, कुछ जानते ना हों और कटोरा लेके अगर भीख मांगे तो उसको फ़कीर बोल देते हैं। भाई साधु हैं, उनका कोई भी रूप हो सकता है, वो राजा की तरह भी हो सकते हैं, चाहे तो फ़कीर के बेस में भी हों, संत हैं, गुरु हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति जो गरीब हो, भीख मांग रहा हो, वही फ़कीर है। अंदर से देखना होगा कि वो कौन है, ज्ञानी है कि नहीं है। तो इसलिए फ़कीरी समझ लें कि गुरुजन किस चीज़ को फ़कीरी कहते हैं। एक दोहे में कबीर साहब कहते हैं, हाँ हाँ, कि फिकर ही सबको खा गई और फिकर संशय सबको खाक है, संशय सबकी पी, हाँ, संशय की फाकी करे उसका, हाँ, नाम फकीर। तो इसी बात को दूसरे दोहे में उन्होंने कहा है कि फिकर ही सबको खा गई, क्योंकि संशय हिंदी हो गया और उसमें फकीर बता रहे हैं, तो फिकर के टर्म्स में सेम दोहा है। बहुत सारे दोहे हैं जो एक साथ मिलते जुलते हैं। तो फिकर ही सबको खा गई और फिकर ही सबका पीर, ये बहुत 2 साल पहले एक कैंप में इस पे कराया था और उस भजन में ये दोहा ऐड करवाया था और बताया भी था बच्चों को। वो बच्चों का कैंप था, किड्स एंड पेरेंट्स कैंप, KPC, उसमें ये कराया था। तो अचानक से अब याद आया बहुत दिन बाद। तो फिकर ही सबको खा गई और फिकर ही सबका पीर, और फिकर का फाका जो करे ताका नाम फकीर। कि फिकर हर जीव को घेरती है, हर मन को घेरती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं बस परेशान हूँ, लेकिन व्यक्ति को, जीव को अपने मन की फिकर बहुत बड़ी लगती है। उसको लगता है मैं परेशान, ये है अपने, जबकि सबको फिकर ने जकड़ रखा है। जीव बन के पैदा हुए हैं, मन बन के पैदा हुए हैं, तो फिकर तो घेरती ही है और सबको खा लेती है, और फिकर ही सबका पीर, और वही दुख बन जाती है मन का। तो फिकर ने सबको खाया, सबको लूटा, फिकर ही सबको खा गई और फिकर ही सबका पीर। हर जगह माया जो है वो अपने बसी हुई है, लेकिन कुछ बिरले जो देख लेते हैं, देख पाते हैं, ज्ञानी साधुजन, फिकर का फाका जो करे, और जो उस फिकर को खा जाए, क्योंकि फिकर तो सबको खा रही है, जीव को खा रही है, और जो फिकर का फाका कर जाए, ताका नाम फकीर, वो हुआ फकीर। कि उसको कोई फिक्र ही नहीं है तो अब वो फकीर हुआ। उसके पास हो सकता है कि 2-4 चीज़ें हों और 2-4 चीज़ें ना हों, ये हो सकता है। वो तो डिपेंड करता है काल पे, समय पे। किसी समय पे उसको ज़रूरत है, उसको 2-4 चीज़ें मिल जाएंगी, किसी समय पे उसको ज़रूरत नहीं है, उसको कोई मोह नहीं है, उसको अपने काम से मतलब है। तो जो फिकर का फाका कर दे ताका नाम फकीर। तो इसलिए फकीरी को जानना बहुत ज़रूरी है। बेफिक्री का नाम है, बेपरवाही का नाम है। होता क्या है कि अगर पूर्ण रूप से किसी चीज़ को नहीं समझा जाए तो अज्ञानतावश या कम ज्ञान के उससे या किसी भी तरीके से लापरवाही को हम बेपरवाही मन समझ जाता है। तो ऐसा लगता है कि लापरवाहियाँ हो रही हैं तो चीज़ें छूट रही हैं, या बेपरवाही हो रही नहीं। उसके लिए बेपरवाही को बहुत अच्छे से समझना होगा। तो वैसे ही जब हम फकीरी शब्द का इस्तेमाल करें तो फकीर किसे कहते हैं वो समझना होगा। वो जिसको डर से मुक्ति, फिकर का फाका जो करे, जो फिकर को ही खा ले, फिकर ने सबको खाया और जो फिकर को खा ले वो फकीर। तो जो भय को खा ले,
भय सबको खा रहा है, सबको परेशान कर रहा है, और जो भय को खा ले, जिसके सामने भय चलता ही नहीं आके, तो वही फकीर हुआ। उसको आप दोहे को ऐसे भी करके गा सकते हैं, फिकर का फाका जो करे ताका नाम कबीर। जो कबीर हुए, बुल्ले शाह साहब हुए, इनको इनको कभी फिकर रही ही नहीं। तो ये सब एक श्रेणी के हैं, एक जगह बसते हैं। आप देखें अलग अलग भाषा में अलग अलग शब्दों के और ज्ञान के माध्यम से बात एक ही करते हैं, एक की ही बात करते हैं और एक जगह रहते हैं। उस जगह का नाम अमरपुर है, कबीर साहब कहते हैं, जहाँ फिकर नहीं है। कबीर साहब कहते हैं निर्भय निर्गुण गुण रे गाऊंगा। पूरी दुनिया गुण गाती है, गुण होते हैं प्रकृति के तीन गुण। और कबीर साहब कहते हैं कि अगर मुझे गुण गाना ही है तो मैं निर्भय और निर्गुण का गुण गाऊंगा। निर्भय निर्गुण गुण रे गाऊंगा। तो भय अगर जीव बन के जिएंगे और जीव पे ही सारी श्रद्धा रख दी तो भय तो घेर लेगा, क्योंकि जीव कौन? वो देह जो जन्म लेती है और मन जिस पे अहंकार होता है। और हम सभी जानते हैं कि अहंकार बहुत छोटा है परमात्मा के आगे और अस्तित्व के आगे, उसकी चल नहीं पाती, छोटा है। तो जब छोटा है तो उसकी आता है और जाता है। तो अगर जीव अपने आप को मानते रहेंगे तो फिर यही होगा, जीव के साथ तो भय जुड़ा हुआ है देव को बचाने का। लेकिन अगर जीव से आगे के लिए संभावना रखेंगे, मन खुला रखेंगे, तो फिर जो उसके आगे का हो सकता है वो अपने आप होगा, वो अपने आप होता चला जाएगा। कबीर साहब कहते हैं कि हद चले पूरा। हाँ बोलिए। हद टप्पे सो बोलिया, हाँ। बेहद टप्पे सो पीर, हाँ। हद बेहद दोनों टप्पे उसका नाम फकीर। हाँ इसको बोलेंगे हद चले तो मानवा, हद चले तो मानवा, बेहद चले तो साध, साध धामे ऊ की मात्रा, साधु तो छोटे ऊ की मात्रा है तो साधु जल्दी बोल दिया जाएगा, बड़े ऊ की मात्रा है तो साधु, ये हो गया। तो हद चले सो मानवा, बेहद चले तो साध, और हद बेहद दोनों तजे ताका मता अगाध। जो हद और बेहद दोनों को तज के उसके बियॉन्ड रहता है, उसका मता मन अगाध हो जाता है, ओपन बड़ा। ताका मता अगाध, हाँ हद बेहद दोनों तजे ताका मता अगाध, मता मन, मन अगाध मन खुलने लगता है, हाँ अगाध आ और गा और धा ध अगाध। तो अगर हदों में चले तो मनुष्य, क्योंकि मनुष्य की हद होती है, जीव की हद होती है, और जो बेहद को ध्यान में रख के चलते हैं वो साधु कहलाते हैं, साधक कहलाते हैं। तो वो बेहद की उपासना में जो हद वाली चीज़ें हैं, और हद की चीज़ें हो गई काम क्रोध लोभ मोह, ये सब हदों वाली चीज़ें हैं, वो उनको हटा के बेहद की साधना तपस्या करते हैं। और कबीर साहब कह रहे हैं एक जो है जो उन दोनों से भी आगे का है, तो मनुष्य के आगे का तो साधु हो गया, जो हद को हद से आगे हो गया, और जो हद और बेहद दोनों से आगे चला जाए, क्योंकि जो बेहद भी एक कॉन्सेप्ट हो सकता है, एक 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 समय ऐसा आ जाता है साधक की यात्रा में कि जिसमें जो बेहद होता है, बेहद से शुरू करें उसकी साधना करें अच्छा रहता है, पर साधना करते करते वो भी एक मेंटल कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो जो उस कॉन्सेप्ट से भी फिर आगे चला जाए, दिमाग में उसके कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रह गए, खाली शून्य, तो ऐसे शून्य मन को बोला है अगाध, बड़ा ओपन। अब वो किसी भी चीज़ या छोटेपन से
प्रभावित नहीं है, अब ओपन माइंड है कि हर चीज़ के लिए एक एक्सेप्टेंस है। और फिर ऐसा ही मन फिर जीवन में बोल पाता है कि अनहोनी होनी नहीं और होनी होए सो होए। और हो सके ऐसा नहीं कि उसके साथ उसको दुनिया में कोई छल नहीं करेगा, दगा नहीं देगा, या रास्ते पे जाएगा 2 बजे रात तो कोई उसकी लूट नहीं करेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ये सब हो जाएगी उसके साथ, पता नहीं, हो सकती भी है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन उसके वजह से इधर दाग नहीं लगता, क्योंकि इधर दाग लग गया तो रुक गई राम भक्ति। क्योंकि इधर अगर दाग ले लिया, उसी को कबीर साहब कहते हैं कि आत्मज्ञान का साबुन बार बार लगाना पड़ता है, ये चादर है मन। मोरी चुनरी में पड़ गयो दाग पिया, मोरी चुनरी में पड़ गयो दाग पिया। ये भजन भी कबीर साहब का है, चुनरी कह रहे हैं मन को। और मन पे तो ना चाहते हुए भी अगर हम संसार में हैं तो सुबह से लेके शाम दाग अपने आप पड़ते हैं। कुछ दाग तो हम लगा बैठते हैं और कुछ हम ना भी लगाएं तो अपने आप आके पड़ ही रहे हैं। कैसे? स्मृति आई, गंदा करके चली गई, छाई हुई है उस मन पे। अब वो मन जो आज अभी जीना चाहिए, अभी में लगना चाहिए, अब वो मन उस स्मृति से प्रभावित है, उसी से जुड़ा है, उससे जूझ रहा है। तो ज्ञान नहीं हुआ इसलिए, ज्ञान हो जाता तब तो प्रभावित होता, तब तो नहीं होता फिर मेरा। हाँ, तो ज्ञान इसी को तो कहते हैं कि इसीलिए तो ये बातें जाननी समझनी जरूरी होती हैं। ज्ञान नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा? दाग को तो लोग अपना जीवन बना लेंगे। हाँ, नहीं, ये करण जौहर वाला लव थोड़ी ना, हम एक बार जीते हैं मरते हैं और एक ही बार लव होता है और तो एक ही बार ज्ञान होता है। आप परसों थे क्या? आप कल भी थे क्या सत्र में? तो फिर आपने ध्यान से सुना नहीं, मैंने क्या कहा था, ये हर पल की लड़ाई है। ये एक बार का वो कॉन्सेप्ट वाला एनलाइटनमेंट नहीं है कि एक बार हो गया किसी एक पर्टिकुलर काल में, समय में, किसी एक स्थिति में तो जीवन भर चलेगा। ये कोई संसार की PhD थोड़ी ना है कि एक बार डिग्री मिल गई फिर उसके बाद थीसिस बंद, रिपोर्ट बंद और डॉक्टर हमेशा लाइफ टाइम के लिए हो गए। ऐसा होता है ना कि नहीं होता? ऐसे ही होता है। आप ओशो साहब को एक डिस्कोर्स पढ़े हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि असली PhD वो होगा जिसकी रिसर्च जीवन भर कायम हो। जिस तरीके की डिग्री और PhD हम करते हैं कि जब तक नौकरी ना मिल जाए नौकरी के लिए PhD, और जिस दिन वो डिग्री मिली वो रिसर्च रिपोर्ट भी सब बंद। अरे सत्य है, जीवन है, चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन तो एक प्रोफेशनल की थ्रू आउट लाइफ कायम रहनी चाहिए, है कि नहीं? और जहाँ रुक गया मामला तो इसका मतलब कि वो प्रेम से नहीं उपजा है, वो बाहरी वातावरण से उपजा है। तो ये वो बात नहीं होती कि ज्ञान तो एक बार हो गया तो बात हो गई हमेशा के लिए। पर्टिकुलर चीज़ का होता है और जैसे जैसे ज्ञान थोड़ा इम्प्रूव होता है ऐसे ऐसे एग्जाम भी ज़्यादा सामने। जीवन है ना, स्थितियाँ अलग अलग, आज की स्थिति अलग है, कल का दिन आप कहीं और देखेंगे, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बिताएंगे, वहाँ की स्थितियाँ अलग हैं। तो हर स्थिति के हिसाब से, लेकिन कुछ फंडामेंटल्स होते हैं उनसे विमुख नहीं होना चाहिए, उनको हमेशा याद में रखना चाहिए। बाहरी वातावरण बदलेगा। तो इस बात पे थे कि ज्ञान एक बार हो गया तो हो गया, नहीं ऐसी बात नहीं होती। हाँ, एक बार जो चीज़ समझ आ गई, अगर ज्ञान को आप समझ बोल रहे हैं तो बढ़िया, अगर आप ज्ञान को ऐसा बोल रहे हैं तो ऐसा पांडित्य तो हजारों ने पढ़ा है। ओशो साहब के डिस्कोर्सेस, जय कृष्णमूर्ति साहब के डिस्कोर्सेस, कबीर लिटरेचर, बुल्लेशाह लिटरेचर, ये तो लाखों करोड़ों लोग रोज़ ही पढ़ रहे हैं। रूमी साहब का लिटरेचर रोज़ ही, कितने लोग उस पर रोज़ पढ़ रहे हैं, रोज़। लेकिन उसकी एक कसौटी है,
वो कसौटी है कि वो ज्ञान अगर समझ में सही में आया है तो जीवन में भी उतरता है। अगर जीवन में नहीं उतरा और बाहर बाहर का अपलॉड है सिर्फ, तो फिर बात बनी नहीं ना। इसका मतलब कि ज्ञान ज्ञान ही रह गया, समझ नहीं हुआ कभी, क्योंकि समझ तो अपना काम खुद करती है। ज्ञान ज़रूर ये हो सकता है, हाँ मैंने पढ़ा है, मैं भी जानता हूँ, हाँ मुझे पता है ना कि तीन स्थितियाँ होती हैं मन की। अरे अगर मन की तीन स्थितियाँ हम जानते हैं तो असल जीवन में जब वो तीन स्थितियाँ हो रही होंगी तो साक्षी देख पाएगा कि ये कैसी स्थिति हो गई और इसके वजह से अभी क्या हो गया, फिर कुछ बात आगे बढ़ी, अब इधर लड़ाई जीत ली। होश और बेहोश, जैसे कि कल आपने ध्यान से सुना हो आचार्य जी कह रहे थे कि एक नहीं है हम अनेक हैं, और अनेक ना हो तो कम से कम दो हैं, और उन दो के बीच में हमेशा एक युद्ध चलता रहता है, और वो दो कुछ नहीं है, एक है बेहोशी और एक है होश, इन दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई चलती ही रहती है। काफ़ी सत्रों में आचार्य जी ने एक कहानी बार बार बताई, हम लोगों को पढ़वाई भी, हम लोगों ने पढ़ी भी थी पहले के सत्रों में। उसमें कहते हैं कि एक छोटा सा बच्चा होता है, वो अपनी दादी से पूछता है, कहानी उसको सुना रही होती हैं कि हमारे बीच में दो वुल्फ होते हैं, एक ब्लैक वुल्फ है और एक वाइट वुल्फ है, और दोनों लड़ाई कर रहे हैं। तो बच्चा क्यूरियोसिटी से पूछता है कि दादी जीतता कौन है, तो दादी एक लाइन में जवाब देती हैं, तुम जिसको जिता देते हो। और इसी को आगे बढ़ाते हुए फिर आचार्य जी ने बोला भी है इस बात को कि इसलिए फ्रीडम बहुत डेंजरस चीज़ है, उसको समझना ज़रूरी है। अस्तित्व ने एक बहुत ऊंची चीज़ हाथ में दे दी है, वो है फ्रीडम, कि आप फ्री हो चुनाव के लिए, आप चुनाव के लिए फ्री हो, लेकिन अगर वही ज्ञान नहीं तो कुछ का कुछ चुन बैठते हैं। ज्ञान मतलब साक्षात्कार, ज्ञान मतलब सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान, कि मन क्या और आत्मा क्या, ये बात सही तरीके से जानना। मन के कुछ मन जड़ भी है और चेतन भी है, दोनों हैं, और जहाँ जड़ है वहाँ भौतिकी के कुछ प्रिंसिपल्स लगते हैं, लॉ ऑफ ड्यूअलिटी होता है, ये लॉ जानने ज़रूरी हैं, फंडामेंटल्स जानने ज़रूरी हैं। आत्मा क्या जानना ज़रूरी है, मन का क्या कनेक्शन है ये जानना ज़रूरी है, तो मन और आत्मा को स्पष्ट तरीके से जानना ज़रूरी है, इसी को सेल्फ नॉलेज कहते हैं, कि मन की अवस्थाएं क्या हैं। उपनिषद आप पढ़ें तो जानेंगे मन की अवस्थाओं के बारे में बताया, वासना किसको कहते हैं, वृत्ति किसको कहते हैं, काम किसको कहते हैं, सिर्फ एक डेफिनेशन नहीं कि सेक्स को ही काम कहते हैं, किसी भी चीज़ जिसके पीछे मन कहीं जाके लग गया उसको पाना चाहता हो वो भी कामना ही है, वो भी वासना ही है। क्या ये संभव है कि जो शक्ति होता है सबका अपना अपना अलग वर्जन होता है, यानी किसी को किसी और तरीके से सच सामने आता है और किसी और को, यानी जो समझ आप कह रहे हैं, अगर फाइनली सत्य तक पहुंच रहे हैं तो वो किसी भी रास्ते से आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। क्या वो अनुभव पे डिपेंड है, किसी भी आदमी के व्यक्तित्व अनुभव पे डिपेंड है? अनुभव से सत्य नहीं आता, क्योंकि सत्य किसी व्यापक चीज़ भी नहीं है, सत्य व्यापकता को सत्य कहते हैं, तो अनुभव से तो सत्य नहीं आता। हाँ सत्य में है तो अनुभव हो सकते हैं भांति भांति के। सत्य तो एक अनुभव है। हाँ सत्य तो एक अनुभव नहीं, सत्य अनुभव नहीं है, इसके लिए आपको बहुत डिटेल में खोजना होगा, और आप आचार्य जी के उदित जी से और अपार जी से लिंक्स ले लीजिए, रेलेवेंट लिंक्स कौन से हैं कि ट्रुथ इज़ नॉट एन एक्सपीरियंस, और उनको आप पढ़िए। एक्सपीरियंस ट्रुथ में हो सकते हैं, और एक्सपीरियंस किसको हो रहा है ये भी जानना ज़रूरी है, किस पड़ोसी को हो रहा है, देह को हो रहा है, इस वाले को या इस वाले को, कौन है एक्सपीरियंसर, ये क्वेश्चन करना होगा। तो डेप्थ चाहिए होती है, गंभीरता। तो जो दोहा जिसमें हमने
कल किया था जिसमें कहते हैं भाषा बहता नीर, आगे की लाइन क्या लिखवाई थी उसको रिपीट करें थोड़ा। सेवन थर्टी हाँ सतमत गहिर गहिर गंभीर, जिस गंभीरता की यहाँ बात कर रहे हैं वो यही गंभीरता है कि डेप्थ में उस बात का पता लगाना, खोजी होना। सीकर किसको कहते हैं, कि ये तो सीकर हैं, ट्रुथ के सीकर हैं, खोजी हैं। इसी डेप्थ से, इसी गंभीरता से उसका पता लगाया जाता है, अवेलेबल हुआ जाता है उसको। तो उसको खोज को निरंतर जारी रहना ज़रूरी है। और ऐसे खोजी की ये मन की हाईएस्ट क्वालिटी कहलाई जाती है, इसी को कहते हैं। अगर आप ऐसे खोजी को कोई एक नाम दें तो वो नाम होगा मिस्टिसिज्म का। मिस्टिसिज्म ये मन की हाईएस्ट क्वालिटी है, वंडरमेंट और मिस्टिसिज्म। बाकी मन विषय में बहुत जल्दी खोया रहता है इधर उधर। हाँ, जैसे मैंने इनको देखा, इनको देखा और ये माहौल देखा, तो मेरे लिए अभी यही सत्य बन गया। कहीं दूसरी जगह गए, वहीं खो गए, सिर्फ वही सत्य बन के रह गया। लेकिन एक मन ऐसा होता है कि जो दृश्य चल रहा होता है उस दृश्य के पीछे जो है वो उसको खोजता रहता है उस दृश्य में। वो कभी उसको मिल नहीं सकता, ये उसको पता है। और हो सकता है मिल भी जाए किस माध्यम में। सत्य पे कोई हम जजमेंट थोड़े ना पास कर सकते हैं। हाँ या ना की तो बात ही नहीं है, और अच्छे और बुरे की बात ही नहीं है। उस पे कोई जजमेंट हम होते कौन है पास करने वाले। हमारी तो आँखें भी सीमित, मन भी सीमित, सब कुछ सीमित। और असीमित पे जजमेंट पास करेंगे तो खुद का ही मूर्ख बनाएंगे। तो सत्य पे कोई जजमेंट नहीं पास कर सकते, सिर्फ उसके दृष्टा मात्र हो सकते हैं कि हाँ देख पाए, दर्शन हुए, वंडरमेंट। तो इसलिए जो खोजी मन है वो हर दृश्य में खोज रहा होता है उसको। बुल्ले शाह साहब कहते हैं तुसी आप ही आए सारे हो, कि मुझे पता है कि तुम ये सारे बन के आए हो। तुसी आप ही आए सारे हो, बहुत अच्छे भजन है। आप खोजेंगे तो मिल जाएंगे स्टूडियो कभी। है, चलिए गा लेते हैं उसको। है सबके पास वो शीट? चलिए मुझे भी एक शीट मिल जाए, या आप ही लोग गाइए, मैं साथ देती हूँ। क्यों ओले बैबे झाकीदा, सिर्फ सिंगिंग रखेंगे उसकी।